तो गाइज़ यहाँ पे दरगाह भी है, 100 साल पुरानी, तो उससे ज़्यादा तो दरगाह होगी। और ये है वो मस्जिद, गेट अंदर से लॉक है, गेट लग चुके हैं अभी क्योंकि तरावी हो गई, सब चीज़ें हो गई, और यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिला है, नहीं तो हम अंदर से ही विज़िट करके आपको दिखाते। तो ये है वो मस्जिद, ये 100 सीढ़ियाँ हैं और ये 100 साल पुरानी मस्जिद है। तो यहाँ पे आके हम लोग लगा तो बहुत अच्छा, कुत्ते की आँखें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चमक रहे हैं भाई, कुत्ते भी है यहाँ पे भाई, ग्रीन ग्रीन चमक रही, भाई को डर लग रहा है भाई ने भी ग्रीन पहना इसलिए अरे अरे तो जा रहे हैं यहाँ भाई, आगे तो मिली नहीं यार मस्जिद यार। कौन सी वाली रोड से कट के, कौन से रोड से कट के जाओगे, सीधे जाओगे कोने में, बिल्कुल आखिरी में जाएं, एक पतली गली गई है जी, पतली गली से ऊपर एकदम ऊपर है, बिल्कुल पतली गली गई। अच्छा वो अभी तो गली नहीं मिल रही हम लोग, वो गली है पतली, लास्ट गेट के पास से है। हाँ अच्छा, थैंक यू भाई। मोहन पहले घुसे थे सबसे ऊपर। हाँ हाँ, स्टोरेज कितना है इसका, क्या स्टोरेज कितना है इसका, चलने दो ना, चलने दो, बहुत है भाई गाइस। तो फिर हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं बस ढूंढने, मोहल्ले वाले सोचेंगे पता नहीं किसको देखने आए हैं ये लोग, क्योंकि चार चौथा राउंड है अपने इधर, चौथा राउंड है हम लोगों का। और यहाँ पे भाई पूरे विधायक लोगों का संग्रहालय, यहाँ पर सारे हाई प्रोफाइल लोग लेकर जाओ, विधायक खंड क्रमांक के, खंड क्रमांक दो, यही वाला लग रहा है ऊपर है, वहीं से वो खाएगी, वही गली जो है ना वहीं से, यही वाला है, यही वाला ये पहले अपन घुसे सबसे पहले, इनसे पूछ लो एक बार भाई, मस्जिद के लिए यहीं से रास्ता है क्या, मस्जिद के लिए रास्ता, जहाँ से ऐसे जाए पहले, थैंक यू, यही वाले में जाके अपने वो पहले वाले में जाके फिर ऊपर, यही यही बहुत घूम लिया हम लोगों ने भाई, वो चचा झूठ बोला था, मतलब पता नहीं था चचा मामू को पता नहीं होगा, कोई नहीं बोलता, पता नहीं होगा, क्या जा रहा झूठ बोला, यहाँ से ऊपर है शायद, यहाँ से ऊपर गली है यहाँ पे, ये तो घर है, ये वाली गली, ये गली ये बोल रहे अपन पहाड़ी पे, बिल्कुल खड़ी घाटी है भाई, पकड़ के बैठे थे ना कुछ ना कुछ, और पकड़ा 2 साल पुरानी मस्जिद के लिए हम लोग आ गए गाइस, यार है हाय, माशाल्लाह मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई भाई, रात में 12 बजे आए और हम लोग यहाँ पे हैं भाई, दिख ही नहीं रही थी बिल्कुल भी भाई, ये देखो रात के 12 बजे 100 साल पुरानी मस्जिद में हम लोग वीराना दिखाओ। हाँ साजिद भाई कैसा लग रहा है आगे फिर आपको, बहुत खुशी मिल रही है अंदर से, और जहाँ का वीराना दिखाओ कितना खतरनाक है, अरे भाई फ्लैश लाइट चला के बाद इसके अंदर भी नहीं दिख रहा होगा भाई कुछ भी, हम लोग भी सकाले दिख रहे हैं, वही बोलते यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऊपर देखो लाइट जल रही मस्जिद है, और ये उसके जीने मस्जिद जाने के, 100 साल पुरानी जो मस्जिद है। तो गाइस ऊपर चलते हैं देखते हैं आप कैसा क्या है माहौल, और ये हमारे दोस्त लोग, फ्लैश चालू करना है भाई जरा, कुत्ते क्यों भोंक रहे थे, कुत्ते इसलिए भोंक रहे हैं, उनको पहली बार इंसान दिख रहे हैं अपन लोग आते हुए रात में। तो गाइस अभी अपन लोग 100 सीढ़ी ही चल रहे हैं, और ऊपर के सीढ़ियाँ तो दिखेंगी नहीं आप लोगों को, दिख जाएंगी भाई ने एक और फ्लैश जला दी है देखो किस तरीके से, गिनते चलो भाई गिनते चलो अभी 100 सीढ़ी चलना है, और ये 100 साल पुरानी मस्जिद है जिसमें मैं पहली बार विजिट करने जा रहा हूँ, और ढूंढने में अभी आधा घंटा लग गया हम लोगों को, और यहाँ पे रेलिंग बनी हुई है इस तरीके से पकड़ के चढ़ने के लिए, भोपाल में रहने के बाद भी इतने हमें पता नहीं था, आज 25 साल आदमी आएगा तो मतलब उसको तो मिलेगी नहीं। और ये पूरा गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी से होते हुए हम लोग आए अभी जो था भाई, में 50 चढ़ गए, हाँ 50 चढ़ गए भाई, अभी तो शायद तरावी हो चुकी है पूरी, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं, कुत्ते भोग रहा हम लोगों को देख के, यहाँ पे वही है, और ये चढ़ रहा है अपन ऊपर, लाइट लगाना चाहिए यार इसमें यार, थोड़ा सा लाइटें लगानी चाहिए फ्लैश वाली, और ये रही मस्जिद, शायद गेट लग चुके हैं अब तो, तरावी हो गई है यहाँ की, तो गाइस यहाँ पे दरगाह भी है 100 साल पुरानी, तो उससे ज़्यादा तो दरगाह होगी। और ये है वो मस्जिद, गेट अंदर से लॉक है, गेट लग चुके हैं अभी क्योंकि तरावी हो गई, सब चीज़ें हो गई, और यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिला है, नहीं तो हम अंदर से ही विज़िट करके आपको दिखाते। तो ये है वो मस्जिद, ये 100 सीढ़ियाँ हैं और ये 100 साल पुरानी मस्जिद है। तो यहाँ पे आके हम लोग लगा तो बहुत अच्छा, कुत्ते की आँखें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चमक रहे हैं भाई, कुत्ते भी है यहाँ पे भाई, ग्रीन ग्रीन चमक रही, भाई को डर लग रहा है भाई ने भी ग्रीन पहना है इसलिए अरे अरे तो जा रहे हैं यहाँ से, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से निकलते हैं भाई, और यहाँ से देखो पूरा भोपाल दिख रहा होगा आपको चमकता हुआ, रात को 12 बज रहे हैं, मैं अकेला यहाँ पे अगर होता तो मैं नहीं आ पाता,
मैं आने की सोच रहा था, अकेले आने की हिम्मत तो मतलब अगर कोई अकेले आया तो कल्ला दिल वाले जाओ। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधेरा कुख है और यहाँ पे नीचे देखो कि कुछ भी नहीं दिखेगा आप लोगों को, नीचे पूरे झाड़ पेड़ हैं, सरकारी एरिया है पूरा और पुलिस वगैरह वाले भी लाइन से लगे हुए। तो देखो हमारा ब्रिज दिख रहा है, हल्का हल्का चमक रहा बिल्कुल हाथ की सीध पे। जूम करके मैं अगर दिखाता हूँ तो दिखेगा, ये देखो ये छोटे तालाब का ब्रिज है हमारे रानी कमला ब्रिज, आर्ची ब्रिज कमला पार्क वाला। और हम लोग आए जस्ट समझ लो उस तरफ में बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर की लाइट वो चमक रही लाल लाल जो मंदिर के गुम्बद पे लगी हुई है, उसकी जस्ट पीछे ये 100 साल पुरानी मस्जिद है जिसे हमने आज तक नहीं देखा था, आज वो हम लोग देखने आ चुके। और अब हम लोग ये वाले जीने वापस उतरेंगे चढ़ने के बाद, ये देखो ज़्यादा देर हम लोग रुक नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि जलाल का भी टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं और यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिला इस वजह से। और भी दूसरी चीज़ क्योंकि नमाज़ें हो चुकी पूरी, बस यहाँ पे कुत्ते हैं और नीचे जो लाइटें जल रही हैं ये गवर्नमेंट की कोई से ऑफिस वगैरह है, कॉलोनी है ये मतलब। गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉलोनी है ये पूरी पूरी ये कह सकते हैं हम। ये देखिए भाई कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल भी, और ऐसे टाइम पर अगर मैं अकेला होता भाई शायद भाई बताओ मेरी फीलिंग कैसी होती है। वो क्या होता है आप पहली सीढ़ी चढ़ने पर, मैं पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, सही बात है ऊपर ही नहीं पाते क्योंकि ऊपर भाई कोई भी नहीं है मस्जिद के अंदर। अभी रमेश भोपाली साहब ने जो वीडियो डाला था उसके बाद तो हालांकि माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने विजिट करा यहाँ पे, हमें भी नहीं पता था ये चीज़ यहाँ पर है, तो हम भी आ गए देखने के लिए। भोपाल में 25 साल हो गए, तुमने देखी कभी ये जगह? मैं पहली बार आ रहा हूँ मैं तो, किरण भाई और ये ऐसी जगह पर है। और ये ऐसी जगह पर है भाई, मैंने आपको अभी वीडियो डालूंगा, ढूंढ के थक जाएंगे अगर किसी से पूछेंगे नहीं तो मिलेगी भी नहीं। हाँ अगर आप बिना पूछे आते हो तो भाई यहाँ पे ढूंढ ही नहीं पाओगे कभी। ये बिल्कुल देखो सकड़ी गली में, गली भी दिखाना कितनी छोटी गली। हाँ अभी गली वाली दिखाई जा, चले तो अपन गाड़ी लेके स्पीड से, तू चला ले अभी न्यूट्रल चलेगी गाड़ी। ये भाई साहब हमारे गाड़ी नहीं चला पाते, और शायद भाई घाटी बहुत ऊंची है भाई, घाटी 100 साल और 100 सीढ़ी वाली मस्जिद बहुत प्यारी है और अंदर दरगाह भी है। अब ये कौन से बाबा की ये नहीं मुझे पता, मुझे किसी दिन में आएंगे इंशाल्लाह, दिन में आएंगे भाई। पहले तुम बैठ जाओ, हाँ पीछे से किसी ने खींच लिया इसको तो भाई डर लगता है, अगर अकेला होता तो मैं वहाँ कॉर्नर से ही लौट जाता, आगे कुछ भी नहीं सोच के इंसानी मखलूकात तो एक भी नहीं है, इंसानी हाँ है ही नहीं बाकी अल्लाह जाने। स्लो चलाना थोड़ी, शायद दिखाऊंगा इनको रास्ता। देखो भाई ये है रास्ता, और बिल्कुल देखो यहाँ से स्लो कर ले, ब्रेक मार ले बिल्कुल, ये देखो कितनी पतली रास्ता है, ये ब्रेक मार के चलना हो गाड़ी बंद कर लो आप, हाँ कंट्रोल हो जाएगी। पाँव ऊपर रख लो भाई दोनों, अपन शायद अपने पाँव से संभाल लेगा। 11 बज रहे हैं भाई, अभी 12 भी नहीं बजा था, मुझे लगा 12 बजे, मैंने घड़ी नहीं देखा था, 11 बज रहे हैं। और ये छोटी सी है, ये आजू बाजू मकान है जिसमें सरकारी लोग रुकते हैं, मतलब कोई भी अफसर वगैरह रहते हैं। मतलब ऊपर आप जाओगे मस्जिद पे तो रात में किसी दोस्तों के साथ जाना भाई, कुत्ते मुत्ते पकड़ पकड़ डाले बाकी और कुछ नहीं पकड़ेगा उससे, बेफिक्र रहो आप। गर्लफ्रेंड को दे सकते, तुम अब्बा को दिखा रहे हो भाई, ये देखो यहाँ पे ये है और ये नीचे एक पार्क है और ये है जिम वगैरह पार्क वाला है। अगर ध्यान रहे तो ये पार्क देखो, ये जिम के इसमें सारे वो लगे हुए हैं। यहाँ से एक छोटी सी गली निकली है, ये पुरानी पुस्तकालय लिखा हुआ है उसके बाजू से अंदर, विश्राम खंड पुराना, ये है इसका पूरा लोकेशन, यहाँ से अंदर जा सकते हो आप। और हमें ये देखो जिम याद रखना, जिम वाली गली से ऊपर चढ़ना, बस जिम वाली गली से हमें ऊपर चढ़ना है। बरगद का पेड़ है बहुत साल पुराना, ये भी लग रहा है क्योंकि इसकी लड़ें बहुत लंबी लंबी हो चुकी हैं। बस जहाँ पे सफ़ेद कपड़े वो टंगे होते तो हो सकता है मैं डर जाता नहीं नहीं वहाँ पे डर बहुत आ रहा था, वहाँ पे डर लग रहा था, मगर भाई दरगाह के पास डर लग रहा था। अगर रात का भी लोग बना रहे हो आप, ये देख लो भाई पुराना पारिवारिक खंड, पारिवारिक खंड यहाँ से, और यहाँ से सीधे एंट्री है यहाँ से आने की, 6 मिनट वाला डिलीट मार दिया भाई यहाँ से। अब आने वाला मैं थोड़ा सा आपको उसमें दिखाऊंगा फास्ट वाले वीडियो में, और रिपीट जाने वाला आपको मैं पूरा बताता हूँ। ये रोड बिल्कुल सीधा सीधा बाहर जाएगा मेन एंट्री से, एंट्री पे डरना नहीं भाई को बोल देना, मस्जिद जा रहा है कोई भी घुसने देगा अंदर अगर बाहर चेकिंग चलती है तो, क्योंकि ये पूरे विधायकों के संग्रहालय हैं। हाँ बस त्रिपलिंग मत करना हम लोग की तरह, हम तो रात में आए हैं तो कोई भी नहीं मिला हमें। ये देखो चेक करो, ये लिखा हुआ है इसके भी आगे पड़ेगा बोर्ड, और ऐसे कुत्ते बहुत हैं यहाँ पे। ये विधायकों का संग्रहालय है तो सोच समझ के आना भाई, उठ पटांग हरकत मत करना। मैं अपने क्या कहते हैं उसे रिस्क नहीं, अपने उससे बता रहा हूँ मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे सारे विधायक रुकते हैं, विधायकों का संग्रहालय है ये, और हाई प्रोफाइल लोग हैं और मतलब सरकारी प्रॉपर्टी के पीछे है मस्जिद। ये देखो ये मल्टियाँ बनी हुई हैं पूरी, लोकेशन दिमाग में बिठा लो जिसको भी विजिट करना है, मगर विजिट एक बार दिन में और करूँगा भाई मैं आके, क्योंकि रात में भाई अंदर से ऐसा लग रहा था मैं पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ूँगा
डर बहुत लग रहा था। शायद भाई तुम अकेले चले आते? नहीं भाई मैं तो वहाँ से ज्यादा गोल घूम के वापस जाता। क्या होता है, थोड़ा डर लगता है, अंधेरा इतना है, वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, ऐसी जगह है कि अपन आ जा सकते, लेकिन फिर भी भाई ऐसी बहुत सारी वो होती है। हमने एक बार भली आप चल चले आते के, हमने सुना कि 12 बजे जलाल का टाइम भी होने लगता है और अंदर वहाँ पे लगे हुए ताले भी लगे, तो उन्होंने अंदर नहीं आने दिए। अंदर मतलब ताला शायद लगा था, गेट लॉक था, तो हम लोग गए नहीं अंदर, क्योंकि अंदर हमें ना वहाँ पे मुअज्जिन साहब मिले, ना हाफिज साहब मिले, ना कोई वहाँ पे मतलब रेवर मिला, रेवर ही बोलते ना। ये देखो यहाँ पे बैरिकेड है सामने, ये यहाँ पे चेकिंग होती है, मगर अभी कोई भी नहीं है। हो सकता है भाई सो रहा हो या खाना वाना खाने का हो गार्ड। यहाँ पे चेक होने के बाद आप अंदर जाओगे, मेन एंट्री पॉइंट है। भाई बैठे हुए जिन्होंने हमें सही रास्ता बताया था, वो देखो सब इस साइड में, बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाओगे, बैरिकेड लगे, बैरिकेड से अंदर जाना। एक रास्ता ये भी है और एक ये भी है, और ये इसके सामने से शुभम शुभ केबे है ना, शुभ केबे से नीचे से डाल दो गाड़ी आप वापस रिफ्टेट में, ऊपर से नहीं चल रहा अपन। ये देख लो विधायक शाम राजभवन इस तरफ जाएंगे, राइट है न्यू मार्केट, इधर रूट देख लिया दोस्तों आप लोगों ने। अब दबा के शेयर कर दो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करो आगे, क्योंकि वहाँ पे खर्चा क्या कहते हैं मतलब मस्जिद को जो भी ताबुन हो सकता है उतना ज़्यादा करें उसमें आगे, क्योंकि वहाँ पे आमदनी कहीं से भी नहीं है मस्जिद में। और 100 साल पुरानी मस्जिद है, आके जरूर विजिट करें। हम लोग भी एक बार डे में आके विजिट करेंगे सब, क्योंकि नाइट में ऊपर बिरला मंदिर है, नीचे मस्जिद है, और वो मतलब ऊपर में है मंदिर, मतलब नहीं तो मंदिर के कई लोग बोल रहे हैं मंदिर के ऊपर नीचे मस्जिद बन गई क्या, मंदिर ऊपर साइड में बिरला मंदिर, अगर लोग पीछे साइड में, और वो मस्जिद जो है नीचे साइड में इस तरफ, अगर आपको मस्जिद जाना है तो इस तरफ आना पड़ेगा ये कुल मिला के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू मार्केट से विधानसभा वाला रोड, ये आ गया विधानसभा पे हम लोग सीधे, और यहाँ से हम लोग चाय पीते निकल जाएंगे सीधे सीधे। तो विज़िट करो और लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा हो सके यहाँ पे आके विज़िट करो और ताबुन करो मस्जिद में, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी आमदनी आने का कोई ज़रिया नहीं है। तो मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा ताबुन करना है और आके विज़िट करो, उसके बाद बता देना कमेंट करके। ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, डे में ब्लॉग आएगा बहुत बाद में, देखते हैं इस रमज़ान के अंदर इंशाल्लाह डे में भी आएंगे इंशाल्लाह।